शिवपुरी जिले के कोलारस थाना के अंतर्गत नगरी क्षेत्र में एक किसान के साथ चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब किसान बैंक से पैसे निकालकर एक दुकान पर जाकर सामान खरीद रहा था। इस दौरान चोर किसान के बैग से 1,70,000 रुपए निकालकर रफूचक कर हो गए। किसान ने इसकी शिकायत कोलारस थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार रिजोदा गांव के रहने वाले आनंद सिंह रघुवंशी अपने बेटे जितेंद्र रघुवंशी के साथ बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए कोलारस पहुंचे थे, जहां आनंद सिंह रघुवंशी ने कोलारस स्थित एक्सिस बैंक में सोना रखकर 1,70,000 रुपयों की राशि का लोन लिया। किसान आनंद सिंह ने बताया कि बैंक से पैसे निकालने के बाद वो पास में ही स्थित जय अंबे जनरल स्टोर पर कुछ सामान लेने के लिए चला गया। इस दौरान उसके पास बैग में ही पैसे रखे हुए थे। जब वो जनरल स्टोर की दुकान से सामान खरीद रहा था, इसी दौरान किसी अज्ञात नाबालिग चोर ने उसके बैग में रखे 1,70,000 रुपयों को चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि पैसा चोरी होने की भनक उसे तत्काल लग गई, लेकिन तब तक पैसों को लेकर चोर मौके से रफूचक्कर हो चुका था। चोरी होने की शिकायत किसान आनंद सिंह ने कोलारस थाने में दर्ज करवाई है। किसान ने बताया कि उसने अपनी भाई की जमीन का सौदा किया था, जिसका सोमवार को उसे रजिस्ट्री करवानी थी और इसी को कराने के लिए उसने एक्सिस बैंक से 1,70,000 रुपए निकाले थे। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है, जहां एक नाबालिग चोर दो अन्य चोरों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था और पैसे उड़ाने के बाद उसी मोटरसाइकिल पर नाबालिग चोर अपने दो साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। कोलारस थाना पुलिस अब मामले में जांच में जुटी है। सर, गोल्ड लोन रखते 1,70,000 रुपए निकाले थे, वहीं से बैग रखा एक दुकान पर और पेपर खरीदने लगे और एक बच्चा आया पीछे से और बैग उठा के ले गए। हम एक्चुअली जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनको खंगाल रहे हैं और ये मोडस ऑपरेंडी से यहाँ के लोकल लोग नहीं लग रहे, कोई शातिर गैंग का हाथ। कितने लोग थे सर उसमें? 3 लोग थे सर। कोई एक नाबालिग बच्चा ही बताया जा रहा है जो बैग उड़ा के ले गए? हाँ, सीसीटीवी की फुटेज देखने से ऐसा ही लग रहा है कि एक नाबालिग बच्चा।